एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को ये बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये गिवन रियल फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस होगा, है ना। मतलब लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे ये जीरो पर क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। दूसरा केस ये दे रखा है कि सेम लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वन पर गिवन फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, है ना। कुछ बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे कंफ्यूजन के लिए ही ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आई गारंटीड आपको ये बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं किए तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, कंप्लीट एनसीईआरटी इसमें लग चुकी है। आप वन बाई वन क्या कर सकते हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब लैम्डा की वैल्यू बताने के लिए ठेणे 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 पहला केस ले लेते हैं, ठीक है। पहला केस ले लेते हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब देखिए डायरेक्ट में लैम्डा की वैल्यू भी नहीं रख सकता और डायरेक्ट में ये भी नहीं बोल सकता कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो दोनों में से एक बात आपको पकड़ना पड़ेगी। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि ये जीरो पर क्या है, कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं आएगा तो लैम्डा की वैल्यू रखकर हम उसको कोशिश करेंगे कि ये क्या बन जाए, कंटिन्यूस बन जाए। देखते हैं क्या होता है। लेट एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। मैंने मान लिया कि ये क्या है, जीरो पर कंटिन्यूस है। सो देयरफॉर जीरो पे फंक्शन और जीरो से जस्ट लेफ्ट वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और जीरो से जस्ट थोड़ी ज़्यादा वैल्यू के लिए राइट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। किसके लिए, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो अगर ये डायरेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है तो लैम्डा की वैल्यू हम चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी। तो देखते हैं भाई जीरो पे फंक्शन कौन सा आएगा, यही तो आएगा। तो ये हो गया लैम्डा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए एक्स की जगह जीरो, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, जीरो पे स्क्वायर वगैरह नहीं लगता है। माइनस टू इंटू जीरो, ये फंक्शन की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जीरो से जस्ट लेस वैल्यू पे फंक्शन, यही तो आ रहा है, लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए आप। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू पर कौन सा फंक्शन है, 4x+1। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ ये कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी या राइट हैंड लिमिट। अगर आप हमारे फर्स्ट वेयर हैं ना तो आप सुन लीजिए, जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको तो पता है, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं या लिखते हैं वो पॉइंट पर अगर जस्ट लेफ्ट और राइट वैल्यू पर फंक्शन चेंज होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट, जैसे वन वाले केस में अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया, लैम्डा इंटू जीरो, और लैम्डा इंटू जीरो माइनस टू इंटू जीरो, लिमिट लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 × 0 + 1, बहुत ही सिंपल है, सो सिंपल है। बस अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। लैम्डा इंटू जीरो जीरो, और लैम्डा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वन, तो किसके बराबर हो गया ये, जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू वन। अब बताइए आपने माना तो कंटिन्यूस था लेकिन ये बराबर तो नहीं आ रहा है, जीरो वन के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो मैं इसे कंटिन्यूस करना चाहूँ तो लैम्डा की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, रख कर देख सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दीजिए, 1, 3, 4 नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी रख दीजिए रियल नंबर, ये हमेशा जीरो ही आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, और ये कितना आएगा, वन आएगा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का केस नहीं, यहाँ पर लैम्डा है, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए लेकिन ये इक्वेशन चेंज नहीं हो सकती और इस पर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लिख लीजिए भाई ठीड़ी ठीड़ी, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या थी, लैम्डा, लैम्डा नहीं भाई लैम्डा, फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं रख सकते आप यहाँ पर जिससे ये क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। तो ऐसा
आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो जीरो की कहानी हो गई। अब हम बात किसकी करेंगे, वन की करेंगे। तो देखिए यहीं से समझा देता हूँ। सेकेंड केस में मान लो x इक्वल टू कितना है, वन है, और एफ एक्स पर क्या ये कंटिन्यूस है, तो हम फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करेंगे, वन पर। वन पर हम ये देखेंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा या फिर डायरेक्ट लिमिट का यूज होगा, वो देखिए। तो देखिए वन जो है कौन से इसमें आएगा, इसी में तो आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये देखिए, जीरो और वन, ग्रेटर देन जीरो में ये तो सारे नंबर आ रहे हैं। अब आप वन से थोड़ा लेफ्ट लें या राइट लें, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन आपका यही रहेगा, यही तो रहेगा फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट लिमिट से मतलब नहीं, डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू और डायरेक्ट वन पर फंक्शन की लिमिट आप क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए। अब क्लियर हुआ आपको कि लेफ्ट और राइट लिमिट कब लगती है और डायरेक्ट लिमिट कब लगती है ना। तो जब फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर चेंज ना हो तो आप डायरेक्ट लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए भाई, वन पर भी यही फंक्शन होगा, फोर इंटू वन प्लस वन, और लिमिट एक्स टेंस टू वन पर भी फंक्शन यही यूज़ होगा, फोर एक्स प्लस वन। तो ये कितना हो गया, फोर वन जा फोर प्लस वन इक्वल टू, लिमिट लगा दीजिए, फोर इंटू वन प्लस वन, लिमिट लगाओ यहाँ पर, तो ये हो गया फाइव इक्वल टू फोर प्लस वन, तो फाइव इक्वल टू फाइव। अब बताइए ये कंटिन्यूस आ रहा है, आपने कंटिन्यूस माना था तो ये कंटिन्यूस आ भी रहा है, तो क्या लैम्डा की वैल्यू रखने से क्या इसकी कंटिन्यूटी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें भी लैम्डा नहीं आ रहा, इसमें भी लैम्डा नहीं आ रहा, तो लैम्डा आप कुछ भी रखिए, ये भाई साहब जो हैं ऐसे ही रहेंगे, इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये कंटिन्यूस ही रहेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू एनी वैल्यू हो सकती है कुछ भी, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूस आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर There is any value, या ऐसे लिख लेंगे, therefore for any value of lambda, the given function is continuous. The given function is continuous at x equal to 1. इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, तो आप एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करके आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर बहुत ज़्यादा फंसता है, तो आप लगभग 70% आप वहाँ से पेपर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।